गर्भ संस्कार गर्भवती माता ने अपने में अपने होने में कौन से बदलाव लाना चाहिए, इसके बारे में मैं आज बातचीत कर रहा हूं। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार सेक्स रोग सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूं। महाराष्ट्र में मुंबई पुणे अकोला यहां प्रैक्टिस करता हूं। गर्भवती माँ जो रहती है 9 महीने तक अपने पेट में बच्चे का पालन करती है, बच्चा बड़ा होता है, वो 9 महीने एक अलग प्रकार का जीवन यदि जीती है, एक अलग प्रकार का जीवन वो अपनाती है, तो बच्चे का जन्म होने के बाद में डेफिनेटली वो संस्कार बच्चे के ऊपर कर सकती है। क्योंकि कोई भी अपनाने में अपने होने में अपने स्वभाव में लाने का है तो उसको टाइम लगेगा। तो यदि आप वो अपने में बदलाव लाती है खुद गर्भवती माँ, बच्चा जन्म लेगा, उसके बाद में वो बच्चे को सिखा सकती है और बच्चा बड़ा होके फिर बहुत बड़ा व्यक्ति बन सकता है। तो सभी गर्भवती माँ को मैं सिखा रहा हूँ और ये सीख एक कहानी के माध्यम से है। मैं कहानी इस प्रकार की है कि एक मूर्तिकार था, वो बहुत बढ़िया अच्छी अच्छी मूर्तियाँ बनाता था। लोग आते थे, खरीदते थे और लोग बहुत खुश रहते थे उसकी मूर्ति खरीदते तो। वो अपना जीवन चरित्र जो है जीवन चरितार्थ अपने मूर्तियाँ बेच के अपना घर संभालता था। उसको एक बेटा हुआ। बेटा होने के बाद में जब बच्चा बड़ा हो गया तो बेटे को भी उसने मूर्ति बनाना सिखाया। बेटा सीखने लगा और बेटा भी एक अच्छी मूर्ति बनाना सीख गया। बेटा मूर्ति बनाता था, ये मूर्तिकार उसकी गलतियां निकाल के उसको बोलता था अभी यहाँ सुधार कर या ऐसा कर। वो वहाँ वैसा सुधार करता था और अगली बार अच्छी मूर्ति बनाता था। तो ऐसा करते 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 क्या हो गया कि कुछ साल के बाद में बेटे ने जो बनाए मूर्ति है ना बहुत बढ़िया बनने लगी, बहुत ही बढ़िया। एक समय ऐसा आ गया कि लोग जो खरीदने आते थे मूर्ति तो बेटे की मूर्तियां खरीदते थे ना उसके बाप की। तो बाप को तो बहुत हर्ष होता था मगर बेटे को अहंकार हो गया। बेटा बोले कि मैं कैसी भी मूर्ति बनाया तभी मेरा बाप मेरी गलतियां निकालता है, अभी मैं नहीं सुनूंगा, अभी मेरा तो सब कुछ अच्छा हो गया है, अभी मेरे को सिखाने की जरूरत नहीं है। उसका अहंकार सामने आ गया। बेटे ने एक दिन बाप को बोला कि अभी मैं जो मूर्तियां बना रहा हूं उसमें गलतियां मत निकालो, क्योंकि आपकी जो मूर्ति है उससे ज्यादा प्राइस में मेरी मूर्ति बेची जाती है, मेरी मूर्ति आपसे भी अच्छी है, आप मुझे क्या सिखाओगे। बाप नाराज हो गया, बोले ठीक है मैं नहीं सिखाऊंगा आज से बंद। उसने उस दिन से कुछ भी उसको सिखाना गलतियां निकालना बंद कर दिया। बेटा और बाप दोनों भी मूर्तियां बनाना चालू रखते, दोनों भी मूर्तियां बना रहे। धीरे धीरे ऐसा हो गया कि बेटी की मूर्तियां का जो क्वालिटी थी वो धीरे 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 कम होना शुरू हो गई। एक समय ऐसा आ गया कि फिर ग्राहक उसके बाप के तरफ चले गए कि नहीं वही मूर्तियां अच्छी है, तुम्हारी मूर्ति अच्छी नहीं है। जिस दिन उसको यह एहसास हो गया अभी फिर मेरी मूर्तियां अच्छी बन नहीं रही है, तो फिर उस दिन उसने अपने पिताजी को पूछा कि भाई ऐसा कैसा हो गया, ये ऐसा क्यों हो गया, लोग अभी मेरी मूर्तियां खरीद नहीं रहे। पिताजी बोले कि देख जब तेरे दिमाग में जिस दिन तेरे दिमाग में अहंकार आ गया कि मैं अच्छी मूर्तियां बनाता हूं, उस दिन से तूने सीखना बंद कर दिया। क्या होता है कि मैं हरदम तेरी गलतियां निकालता था, गलतियां इसलिए निकालता था कि तू अच्छा बने, वो गलतियां तू सीखता था गलतियों से और अगली बार अच्छी मूर्ति बनाता था, फिर और सीखता था और अच्छी मूर्ति बनाता था। जिस दिन से मैंने गलतियां निकालना बंद कर दिया तेरे लिए ऐसा हो गया कि अभी मैं सब कुछ जानता हूं, मुझे सब कुछ आता है, मैं तो एकदम तोपचन हूं, अभी तो मुझे सिखाने की कोई जरूरत नहीं है। जिस दिन आदमी सीखना बंद कर देता है, जिस दिन अपनी गलतियां देखना बंद कर देता है, उस दिन वो आगे नहीं बढ़ता, उस दिन वो पीछे पीछे आता है। तेरा अहंकार सामने आ गया, मैं तेरा कोच हूं, मैं तेरा पिताजी हूं, बाप हूं, मैं तेरे अच्छे के लिए जो बोलूंगा तेरे अच्छे के लिए बोलने वाला हूं, तो मैं जो बोलता था वो तेरे अच्छे के लिए बोलता था, ना कि तू मेरा कॉम्पिटिटर है या मैं तेरा कॉम्पिटिटर हूं। तो गलतियां जो है वो अपने देखना ही चाहिए, गलतियां अपने को सिखाएंगे और आगे बढ़ाते जाएंगे। और दूसरा, कभी भी ऐसा मत सोचो कि अभी मैं समाधानी हूं, सेटिस्फाइड हूं, जिंदगी में आगे बढ़ना है तो आप तरक्की के लिए तो एक ही है कि हरदम अनसेटिस्फाइड भी आप रहते हैं कि नहीं मुझे तो आगे बढ़ना ही है, मुझे तो अभी ये हासिल करना है, मुझे तो अभी वो हासिल करना है। इस तरह से आप उसके आगे बढ़ते हैं कि एक टारगेट रख के करते हैं कि नहीं अभी मुझे और आगे। इसका मतलब अभी खराब है ऐसा नहीं है, अभी खराब है इसका मतलब ऐसा होता नहीं, अभी जो है वो ठीक है मगर इससे भी अच्छा और मैं कर सकता हूं। इस तरह की अपनी जो भूख रहती है, आप जब हंग्री होते हो तो आप कभी भी आगे बढ़ेंगे, तरक्की करेंगे। अभी इस तरह की जो ये कहानी है, ये गर्भवती माँ अपने में लाती है, खुद में पहले इस तरह का बर्ताव करती है। बच्चा जब जन्म लेगा
बच्चों को भी ये सिखाएगी तो देखो बच्चा कितना आगे बढ़ेगा। क्योंकि क्या होता है कि बच्चे का जन्म होने के बाद में, बच्चे जब एक साल भर के होते हैं, बाद में ताता मामा पापा चालू कर देते, 1.5-2 साल के उम्र में आई बाबा मामा पापा ऐसा बोलना चालू कर देते, भाषा उनको आना चालू हो जाता है, तब से वो सुनते हैं। मगर सीखते कहाँ से है? माँ बाप के कृति से। तो यदि वो माँ अपने कृति से बच्चों को सिखाती है, बच्चा सीख जाएगा जल्दी। तो माँ ने अपने जन्म में, अपने होने में, अपने स्वभाव में ये अनसेटिस्फाइड बिहेवियर लाती है, मतलब अभी सेटिस्फैक्शन है मगर मुझे आगे जाना है, हंगर लाती है। बच्चा भी वैसा आगे चल के बनेगा क्योंकि आप वैसा सिखाएंगे उसको। वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर सभी गर्भवती माताओं को, सभी माताओं को, सभी पेरेंट्स को ये भेजो, ये शेयर करो, ताकि बच्चे की परवरिश में उनको ये काम में आएंगी और बच्चा बहुत बड़ा बनेगा। लोग हमें ऑनलाइन कंसल्टेशन करते हैं, वीडियो कॉल्स करते हैं, अपनी समस्याएं बताते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नाम गोपनीय रखा जाएगा। मेरी ऐप है डॉक्टर केयकर नाम की, प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ भी आप फ्री चैटिंग कर सकते हैं, वहाँ आप ऑनलाइन वीडियोस खरीद सकते हैं। आपने वीडियो देखा, शेयर किया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।